नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर, प्रति अंश का मूल्य ज्ञात करना, यह है हमारा आज का टॉपिक। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है वो हमारे बीकॉम पार्ट थर्ड फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है हमारा ये टॉपिक। और उनका एक पेपर है एबीएसटी फर्स्ट में कॉरपोरेट अकाउंटिंग। कॉरपोरेट अकाउंटिंग से संबंधित ये हमारा टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वैल्यू का कैलकुलेशन करने से पहले ये ज़रूरी है कि शेयर अंश किसे कहते हैं और अंश की परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार के अंश होते हैं, इनके बारे में हम सामान्यतः जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में हम इसका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, अंश की परिभाषा की बात करें तो अंश कंपनी की पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधि होता है कंपनी का कौन? अंश। अतः कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे निश्चित अंकित मूल्य के भागों में विभाजित होती है उसे अंश कहा जाता है। तो अंश की परिभाषा क्या हुई? कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे निश्चित अंकित मूल्य के भागों में विभाजित होती है उसे हम अंश कहते हैं। और अंश है वो दो प्रकार के होते हैं, अधिमान या पूर्वाधिकार अंश और सामान्य या इक्विटी अंश। ये दो प्रकार के अंश होते हैं जो कंपनी द्वारा जनता को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उन्हें विनियोग करने के लिए निर्गमित किए जाते हैं। अब हम अंश, प्रति अंश का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में अपनी चर्चा जारी रखते हैं। फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है वो है कि जब कंपनी ने मात्र इक्विटी अंश ही निर्गमित कर रखे हो। कंपनी के पास कितने प्रकार के शेयर होते हैं? मैंने अभी आपको बताया दो प्रकार के शेयर होते हैं, इक्विटी अंश और प्रेफरेंस शेयर। अब कंडीशन क्या है कि जब इक्विटी अंश ही निर्गमित कर रखे हो, उसने पूर्वाधिकार या अधिमान अंश है उनका निर्गमन नहीं किया हो। इसके अंतर्गत तीन परिस्थितियां हो सकती हैं। इसके अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है तीन प्रकार की परिस्थितियां हैं वो हमारे सामने आएंगी। नंबर वन, जब सभी इक्विटी अंश समान अंकित मूल्य तथा पूर्ण प्रदत्त हो। अब यहाँ एक मीनिंग है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को का जो इंग्लिश मीनिंग है वो है फेस वैल्यू, और पूर्ण प्रदत्त को बोलते हैं फुल्ली पेड अप। जैसे अंकित मूल्य 10 रुपये है तो फुल्ली पेड अप कितना होगा? 10 रुपये का 10 रुपये उसने चुका दिया, तो फुल जितना मूल्य था उतना मूल्य विनियोगकर्ता ने चुका दिया, तो फुल्ली पेड अप बोलते हैं उसको। तो कंडीशन क्या है कि जब सभी अंकित इक्विटी अंश है उनका अंकित मूल्य तथा पूर्ण प्रदत्त हो, अंकित मूल्य समान हो और उनका पूरा मूल्य चुका दिया गया हो, ये हमारे पास कंडीशन है फर्स्ट। ऐसी स्थिति में प्रति इक्विटी अंश का मूल्य निम्न प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे प्रति अंश मूल्य ज्ञात करने के लिए, वैल्यू पर इक्विटी शेयर बराबर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स। वैल्यू ऑफ नेट असेट्स को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, हमारे पास कितने शेयर हमने जारी कर रखे हैं उसका भाग देंगे नेट असेट्स में, तो वैल्यू पर शेयर का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ एक टर्म्स है नेट असेट्स। नेट असेट्स के बारे में हमारी बहुत सी चर्चाएं हो चुकी हैं गुडविल के टाइम, और वैल्यू ऑफ शेयर का जो सैद्धांतिक पार्ट था उस समय,
फिर भी हम सामान्यतः मैं आपको बता देता हूँ, नेट असेट्स का मतलब हमारी जो टोटल संपत्ति है उन संपत्तियों के मूल्य में से बाह्य जो हमारे दायित्व हैं उनको घटा देंगे तो जितना असेट्स है वो इक्विटी अंशधारियों के लिए उपलब्ध होगी। लेकिन संपत्तियों के किस मूल्य पर लेंगे, संपत्तियों को हम लेंगे स्थायी संपत्ति है उनको हम डेप्रिसिएशन लेस करके लेंगे और चालू जो संपत्ति है उनको हम बाजार मूल्य में लेंगे और उन टोटल करके उसमें से बाह्य दायित्वों को हम लेस कर देंगे। इसके साथ ध्यान रखना है कृत्रिम संपत्ति होती है उनको हम नेट एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते और उसमें से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग देंगे तो आपको वैल्यू पर इक्विटी शेयर का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। कंडीशन ध्यान में रखना है जब सभी इक्विटी अंश समान अंकित मूल्य के हैं तथा पूर्ण प्रदत्त है। अब देखिए दूसरी कंडीशन, जब इक्विटी अंशों का अंकित मूल्य अलग अलग हो किंतु पूर्ण प्रदत्त हो। अंकित मूल्य अलग अलग का मतलब कैटेगरी वाइज अंशों का निर्गमन किया जाएगा, जैसे ए कैटेगरी का 10 रुपये वाला है, बी कैटेगरी का 8 रुपये वाला है और सी कैटेगरी का 6 रुपये वाला शेयर है और जितना मूल्य का शेयर है वो सब मूल्य उसने चुका दिए। तो इसमें उसमें फर्स्ट जो मेथड है क्या डिफरेंस आया, उसमें मूल्य भी समान है और पूरे मूल्य चुका दिए गए हैं या मूल्य अलग अलग है किंतु पूरा मूल्य का भुगतान कर दिया गया। ऐसी स्थिति में शुद्ध संपत्तियों को अलग अलग अंकित मूल्य वाले अंशों के वर्ग में उनकी कुल पूंजी के अनुपात में बांटकर प्रत्येक प्रकार के अंशों की संख्या का भाग देकर अलग अलग प्रति अंश का मूल्य ज्ञात किया जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम शुद्ध संपत्तियों का मूल्य ज्ञात करेंगे। शुद्ध संपत्तियों का मूल्य ज्ञात करने के बाद उनका जो पेड वैल्यू है कैपिटल की नंबर ऑफ शेयर को पेड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेड कैपिटल हमारे पास आ जाएगी और पेड कैपिटल का हम एक रेशियो याद करेंगे, ए प्रकार, बी प्रकार और सी प्रकार का, तीनों प्रकार का जो रेशियो आएगा उसको उसी रेशियो में नेट असेट्स को डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, नेट असेट्स को डिवाइड कर देंगे और जो मूल्य आएगा उस समय उसी कैटेगरी का भाग देकर प्रति अंश का मूल्य हम ज्ञात करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारा हो गया वैल्यू पर शेयर बराबर प्रोपोर्शनेट नेट असेट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कैटेगरी को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ दैट कैटेगरी। नेट असेट्स है उसको पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज हम बांट देंगे और उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग देंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे नेट असेट्स आपकी 10 लाख रुपए है और 10 लाख को 5, 3 और 2 के अनुपात में बांटेंगे तो 5 लाख और 3 लाख और 2 लाख, तो 5 लाख के नंबर ऑफ शेयर का भाग 5 लाख में देंगे, 3 लाख के नंबर ऑफ शेयर का भाग 3 लाख में और 2 लाख संपत्ति के नंबर ऑफ शेयर का भाग 2 में देंगे तो प्रति अंश का मूल्य कैलकुलेट हो जाएगा। और फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, प्रोपोर्शनेट नेट असेट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कैटेगरी को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ दैट कैटेगरी। थर्ड हमारी जो कैटेगरी है वो है जब इक्विटी अंश समान अंकित मूल्य के हो किंतु प्रदत्त मूल्य पृथक हो। इक्विटी अंश का जो अंकित मूल्य वो समान हो किंतु पेड अप जो वैल्यू है वो अलग अलग हो। वापस रिपीट करता हूँ, फर्स्ट कैटेगरी में दोनों इक्वल थे, अंकित मूल्य समान था और पेड अप फुल्ली पेड अप थे। सेकंड कैटेगरी में उनका अंकित मूल्य समान नहीं था लेकिन फुल्ली पेड अप थे। और अब जो हमारे पास कैटेगरी है वो है जब इक्विटी अंश समान अंकित मूल्य के हैं उनका अंकित मूल्य समान है किंतु पेड अप वैल्यू है वो पृथक है। इसको समझेंगे
जैसे प्रत्येक कैटेगरी का अंश है वो 10 रुपये वाला है, लेकिन जो मूल्य चुकाया गया है वो ए कैटेगरी में 8 रुपये वाला, बी कैटेगरी में 6 रुपये वाला और सी कैटेगरी में 5 रुपये मूल्य उसने चुकाए, तो मूल्य तो एक ही रुपये समान है लेकिन जो पेडअप है चुकाया है वो अलग अलग है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में निम्नलिखित विधि से अंश का मूल्य ज्ञात किया जाएगा। हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड के माध्यम से हम अंशों का मूल्य ज्ञात करेंगे, उसको हम बोलते हैं नोशनल कॉल मेथड, काल्पनिक मांग विधि। क्या है? नोशनल कॉल मेथड, काल्पनिक मांग विधि। इस स्थिति में पहले क्या करेंगे, शुद्ध संपत्तियों का मूल्य ज्ञात करेंगे जैसे पहले करते आ रहे हैं, तथा उसमें अंशों पर बकाया मांग की राशि को जोड़ देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जितनी राशि अंशों पर बकाया है उस राशि को उसके नंबर ऑफ शेयर से भाग करके और टोटल राशि ज्ञात करके जो नेट एसेट्स है उसमें ऐड कर देंगे। जैसे मैंने अभी बताया 10 रुपये वाले शेयर है उसमें 8 रुपये चुकाए, तो बकाया कितने हैं 2 रुपये, तो 2 रुपये का नंबर ऑफ शेयर से भाग दे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आएगा। फिर 10 रुपये का शेयर है 6 रुपये चुकाए उसने, तो कितने नहीं चुकाए 4 रुपये नहीं चुकाए, तो 4 से उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे वो अमाउंट आ जाएगा। फिर 5 रुपये चुकाए, 10 रुपये का शेयर था 5 चुकाए सी कैटेगरी में, तो 5 को नंबर ऑफ शेयर से भाग दे देंगे और एक अमाउंट आएगा। इन तीनों अमाउंट को जोड़कर हम नेट असेट्स में ऐड करेंगे और फिर टोटल असेट्स का अमाउंट अज्ञात हो जाएगा और उसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर का भाग देंगे तो प्रति शेयर का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। उस शेयर में से हम जितनी राशि बकाया है उस राशि को लेस कर देंगे तो वैल्यू पर शेयर का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। वैल्यू पर फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल बराबर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स प्लस नोशनल कॉल मेथड को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑल कैटेगरीज, ऑल कैटेगरी से मतलब ए कैटेगरी बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, तीनों प्रकार की कैटेगरी है उसके नंबर ऑफ शेयर का टोटल करेंगे और नेट एसेट्स में नोशनल कॉल जैसे मैंने आपको बताया उसका मूल्य जोड़ देंगे और टोटल नंबर ऑफ शेयर का भाग देंगे ऑल कैटेगरी का, तो फुल्ली एड अप पर शेयर का मूल्य आपको ज्ञात हो जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे मूल्य पर शेयर, उसका तरीका क्या है, टोटल जो फुल्ली पेड अप मूल्य आया है उसमें से जितनी कॉल की राशि बकाया है उतनी राशि को हम लेस कर देंगे तो वैल्यू पर शेयर का मूल्य आपको कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और आसानी से इसको हम हल कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है आपको कंडीशन को समझना होगा और कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसकी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है, और इसी के साथ साथ आपको नेट असेट्स का कैलकुलेशन करना आना चाहिए और नेट असेट्स का कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी 3 कंडीशन है जब हम मूल्य कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर का मूल्य हम ज्ञात करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि आपको और अच्छे वीडियो मिल सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।